नमस्कार जय। सबसे पहले हम बात करें सलमान खान के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, कल जो ना वीकेंड के वार का दूसरा एपिसोड था। कल के दिन में सलमान खान ने काफी सारे बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट की यहाँ पर वोट लगाई है। लाइक कल वाले वीडियो में आपको बताया था, जो पहला वाला शनिवार वाला वीकेंड का वार एपिसोड था ना, वहां पर सलमान खान ने जो जय दिन आकांक्षा का जो किस वाला सीन था उसके ऊपर अपोलोजाइज किया था, अपनी ऑडियंस से सॉरी कहा था, उसको दोनों की जो फटकार लगाई थी, जिसके बाद क्या था, जैद को जो ना पनिशमेंट भी दी गई सलमान खान के थ्रू वीकेंड के वार में। उनको जो ना नेक्स्ट वीक के लिए नॉमिनेट किया गया एविक्शन के लिए। सिर्फ यहाँ पर जैद को नहीं, और भी बिग बॉस के ऐसे कंटेस्टेंट को यहां पर सजा दी गई है, उनके एविक्शन के लिए नॉमिनेशन में नाम दिए गए। तो बता दो, अगले वीक जो ना एक दो नहीं, टोटल सात नाम नॉमिनेशन में नाम गए एविक्शन के, जिसमें से फुकरा इंसान है, पूजा भट्ट है, बेबिका ध्रुव है, जिया शंकर, जैद हबीब है, साइरस बरोचा है, मनीषा रानी एंड अविनाश, ठीक है। इसके बाद में फलक का भी नाम यहां पर नॉमिनेट किया गया। मतलब टोटल यहां पर सात कंटेस्टेंट है, जिसमें से कोई भी एक कंटेस्टेंट को जो अगले वीक एक या फिर दो कंटेस्टेंट जो बाहर होने वाले बिग बॉस हाउस से। एंड ऑल्सो मुझे यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा कि यहां पर जो फुकरा इंसान का नाम यहां पर नॉमिनेशन में क्यों दिया गया अगले वीक के लिए। हमें बता दो, कल को जो है जो वीकेंड का वार का जो एपिसोड था, वहां पर सलमान खान जो काफी ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं फुकरा इंसान के काफी ज्यादा सपोर्ट में बोलते हैं, आल्सो अगेंस्ट में बोलते हैं बेबिका ध्रुव, जिया शंकर, जैद वगैरह की, इनके अगेंस्ट में बोलते हैं अविनाश वगैरह के। लाइक वहां पर सलमान खान फुकरा इंसान को बोलते हैं कि वो जो ना काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट कंटेस्टेंट है, मतलब वहां पर कोई भी अपनी फेक रियलिटी नहीं दिखाते, जो रियल में है एंड जिन कंटेस्टेंट के साथ जो इनका रिश्ता ना वो दिखाते हैं, वो कोई भी इस तरीके से फेक तरीके से नहीं दिखाते कि पहले दोगले नहीं है वो। जनरली जैसे जिया शंकर ने पहले फुकरा इंसान के साथ में रहते थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी बदल ली, वो जैद के साथ में चली गई, अविनाश के साथ में चली गई, तो जो फुकरा इंसान की ऐसा कोई भी यहाँ पर रियलिटी नहीं है। तो वहीं पर जो सलमान खान पूजा भट्ट एंड फुकरा इंसान के बीच के बात करते हैं, उनके बीच में पहले जो फाइट्स हो रखी है, उनके बीच में जो रिलेशन, उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो पहले दिन से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। एंड कल के दिन में जो यहाँ पर बेबिका एंड अभिषेक मल्हान के बीच में कुछ भी थोड़ी सी मतलब फिर से अनबन हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कि यहाँ पर इस चीज के बारे में बात चल रही होती है कौन सबसे ज्यादा होनेस्ट है घर में, ठीक है। सलमान खान जनरली यहाँ पर अभिषेक मल्हान की तारीफ करते हैं, जिसके बाद क्या था, बेबिका सबसे पहले अभिषेक मल्हान को कहती है, इस घर में मैं जितनी होनेस्ट उतना होनेस्ट कोई भी नहीं है। जिसके बाद फुकरा इंसान उसका रिप्लाई करता है, ये आपको लगता है आप होनेस्ट हो, लेकिन किसी को भी नहीं लगता है कि आप इतने होनेस्ट हो। एंड ऑल्सो आपको पता होगा, फुकरा इंसान बेबिका के यहाँ पर फाइट में पहले जो ना फुकरा इंसान को जो ट्रक बोल देते, ठीक है, जो कचरे से भरा वाला ट्रक रहता है, क्योंकि वो हेल्थ में तो उनकी बॉडी सेविंग कर देते, जिसको लेकर सलमान खान भी यहाँ पर फुकरा इंसान के ऊपर थोड़ा सा नाराज रहते हैं। मे बी इसी वजह से उनको जो अगले वीक के लिए नॉमिनेशन में नाम दिया गया फुकरा इंसान का। वीकेंड के बाद कल वाला जो एपिसोड था, जहां पर सलमान खान जो फुकरा इंसान के सपोर्ट में बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रिगर्ड इंसान ने रिएक्ट करते एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, जी जी सल्लू भाई ने रख के ले ली बिग बॉस ओटीटी। एंड बता दो, अभी जो है पर बिग बॉस हाउस से यहाँ पर जो कंटेस्टेंट जिया शंकर, उसको जो काफी ज्यादा हेट मिल रहा है फुकरा इंसान के फैंस के थ्रू। बता दो, जैसे आपको पता होगा स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आए थे तो फुकरा इंसान के साथ में जिया शंकर काफी अच्छे से रह रही थी, वोटिंग के लिए था कि उनका नॉमिनेशन में नाम चला गया तो उसको बाहर नहीं कर दे। इसकी वजह से उन दोनों का जो बॉन्ड था ना काफी अच्छा था, काफी सारे लोग उनको पसंद भी करने लगे थे। लाइक उनका एक की कोडवर्ड भी बन गया था अभिया, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो जिया शंकर उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, वो अविनाश एंड जैद के साथ में हो गए। जिसके बाद क्या था ना, कल के दिन में जो ना जिया शंकर का एक मतलब कि यहाँ पर बात कर रही होती, कन्वर्सेशन चल रही होती, वहीं पर ये बोल देती है कि अगर इस घर में कोई मेरा दोस्त है तो वो जैद, अविनाश और फलक है, और बाकी और कोई नहीं है। यार ये चीज़ फुकरा इंसान के जितने भी फैंस थे उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो पहले जो ना फुकरा इंसान के साथ में काफी अच्छी तरीके से रहते थे, अब जो उनका दोस्त भी नहीं है फुकरा इंसान, इस चीज़ को लेकर उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है अभी। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, ऐसे और अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।